गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडे वी विल डिस्कस चैप्टर 13 ऑफ क्लास 7th, विच इज़ इलेक्ट्रिक करंट एंड इट्स इफेक्ट्स, इलेक्ट्रिक सर्किट्स एंड इलेक्ट्रिक डायग्राम्स. यू हैव लर्नड इन अर्लियर क्लास दैट एन इलेक्ट्रिक सर्किट इज एन अनब्रोकन पाथ थ्रू विच एन इलेक्ट्रिक करंट कैन पास. अब हमने ये पढ़ ही रखा है हमारी पहली क्लासेस में कि एक इलेक्ट्रिक सर्किट, यहाँ एक वर्ड आया सर्किट, तो क्या होता है, एक अनब्रोकन पाथ होता है जिसके अंदर करंट क्या करता है, फ्लो डाउन फ्लो करता है. समटाइम्स वाइल स्टडिंग इलेक्ट्रिक सर्किट, सर्किट डायग्राम्स कैन बी मिसरीड लीडिंग टू ए वेरी सीरियस एंड डेंजरस कॉन्सिक्वेंसेज. कई बार क्या होता है, जब हम इलेक्ट्रिक सर्किट से इलेक्ट्रिक डायग्राम्स पढ़ रहे होते हैं, स्टडी कर रहे होते हैं, तो क्या होता है, हम जो ये जो नीचे आपको सिंबल्स दे रखे हैं इस टेबल में, ये हमसे क्या हो जाते हैं, मिसरीड हो जाते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, एक बहुत ही सीरियस कॉन्सिक्वेंसेज इसकी क्या होते हैं, इसकी वजह से खड़ा हो जाता है, कोई प्रॉब्लम हो जाती है. देयरफॉर इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू हैव ए स्टैंडर्ड मेथड फॉर ड्राइंग ए सर्किट डायग्राम सो दैट एवरीवन कैन रीड एंड अंडरस्टैंड देम इजीली. इसलिए हमें क्या करना चाहिए, एक स्टैंडर्ड मेथड, एक्यूरेट मेथड बनाना चाहिए इसके सर्किट को ड्रॉ करते वक्त. और क्या करना चाहिए, जो भी सिंबल्स हम यूज़ कर रहे हैं इलेक्ट्रिक सर्किट के अंदर, सेल्स को लेकर, बैटरी को लेकर, जो भी सिंबल्स हम लोग यूज़ कर रहे हैं, उन्हें बिल्कुल एक्यूरेटली लिखना चाहिए, रिप्रेजेंट करना चाहिए. इन इलेक्ट्रिक सर्किट इज़ ए ड्राइंग ऑफ एन इलेक्ट्रिकल सर्किट इन विच वेरियस कंपोनेंट्स ऑफ द सर्किट आर रिप्रेजेंटेड बाय स्टैंडर्ड सिंबल्स. ठीक है, तो सर्किट डायग्राम, सर्किट डायग्राम क्या है, इलेक्ट्रिक सर्किट का एक ड्राइंग मॉडल है जिसके अंदर हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रिक सर्किट में जितने भी कंपोनेंट्स आते हैं, वेदर इट इज़ सेल, बैटरी, स्विचेस, लाइट बल्ब, कुछ भी हो, हम उसे क्या करते हैं, एक स्टैंडर्ड सिंबल से डोनेट करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं. टेबल 13.1 बिलो गिव्स द स्टैंडर्ड सिंबल्स फॉर सम कॉमन कंपोनेंट्स ऑफ एन इलेक्ट्रिक सर्किट्स. अब देखिए इस टेबल के अंदर कंपोनेंट्स ये रखे हैं इलेक्ट्रिक सर्किट्स के, जिसके अंदर क्या होता है, सर्किट फ्लो करता है, करंट फ्लो करता है, और उसके आगे क्या दे रखे हैं, उसके सिंबल्स दे रखे हैं. पहला देखिए आप, सेल है कंपोनेंट, फर्स्ट कंपोनेंट इज सेल, और उसका सिंबल देखिए आप क्या है, प्लस माइनस लाइन है, एक बड़ी है एक छोटी है. द शॉर्टर लाइन डिनोट्स द नेगेटिव टर्मिनल एंड द लॉन्गर लाइन डिनोट्स द पॉजिटिव टर्मिनल. अब देखिए जो शॉर्टर लाइन है राइट हैंड साइड पर, वो क्या करती है, नेगेटिव टर्मिनल को डिनोट करती है, और हम नेगेटिव टर्मिनल पे क्या लिखेंगे, माइनस लिखेंगे, ऊपर माइनस लिखा हुआ है. और जो पॉजिटिव लाइन है वो क्या करती, जो लॉन्गर लाइन है, यहाँ हमने किसको डिनोट करने के लिए लॉन्गर लाइन बनाई है, पॉजिटिव टर्मिनल को, जिसे हम प्लस से डिनोट करते हैं. बैटरी, द सेकेंड कंपोनेंट इज बैटरी. देखिए यहाँ तीन बैटरीज दे रखी हैं, टू और मोर सेल्स जॉइंट टुगेदर फॉर्म ए बैटरी. अब क्या होता है, आप दो तीन सेल्स को एक साथ जॉइन कर देंगे तो वो क्या बन जाएगी, एक बैटरी बन जाएगी. देखिए बैटरी का देखिए कैसे डायग्राम दे रखा है, शॉर्टर लाइन है, यहाँ माइनस का सिंबल है, जिसे हमने नेगेटिव टर्मिनल से डिनोट किया है इधर, और इस तरफ लेफ्ट हैंड साइड की तरफ पॉजिटिव लाइन लॉन्गर लाइन दे रखी है, और बीच में दो शॉर्ट्स लाइन दे रखी हैं. तो ये किसको रिप्रेजेंट कर रही है, टू और मोर सेल्स को. द थर्ड वन इज स्विच, ऑल्सो कॉल्ड की. ठीक है, देखिए अब स्विच क्या कहलाती है, की भी कहलाती है. अब ए और बी दे रखे हैं, ए तो क्या है, ओपन है, बी है क्लोज है. ठीक है, अब इधर देखिए सिंबल में ओपन कैसे करना है, दो लाइन दे रखी है, उसके बीच में हमने कुछ पॉइंट बना रखा है, और उसको ऊपर से क्या कर रखा है, ओपन कर रखा है. तो ये ओपन स्विच है, और सेकेंड वन इज क्लोज स्विच. द फोर्थ वन इज लाइट बल्ब, लाइट बल्ब का आप देख लीजिए यहाँ पे. द लास्ट वन इज़ वायर, और वायर को हम कैसे डिनोट करते हैं, एक स्ट्रेट लाइन. एक्टिविटी, टू ड्रॉ ए सिंपल सर्किट डायग्राम. देखिए इस एक्टिविटी के अंदर एक सिंपल सर्किट डायग्राम मेंशन किया हुआ है, ड्रॉ किया हुआ है. मटेरियल्स नीड ए शीट ऑफ पेपर, ए शार्प पेंसिल. कुछ नहीं लेना, एक वाइट शीट ऑफ पेपर ले लेना बिना लाइन वाला, और एक शार्प पेंसिल लेनी है. मैथड, यूज़ द सिंबल गिवन इन द टेबल अबाउट टू ड्रॉ द सर्किट डायग्राम फॉर द सर्किट शोन इन फिगर 13.1. देखिए आप नीचे क्या दे रखा है, अब फिगर ए के अंदर आइए, हमें क्या करना है, एक सर्किट डायग्राम बनाना है. कैसे बनाना है, जो 13.1 टेबल में जो जितने भी कंपोनेंट्स के सिंबल्स दे रखे हैं ना, उन सिंबल्स को यूज़ करके, कंपोनेंट्स का डायग्राम नहीं बनाना है, सिंबल्स यूज़ करके बनाना है. और इन सिंबल्स किस कंपोनेंट को डिनोट कर रहे हैं, ये भी हमें अच्छे से लर्न करना है, ताकि हम सर्किट डायग्राम को एक्यूरेटली क्या कर सकें, अंडरस्टैंड कर सकें, स्टडी कर सकें. अब फिगर ए में देखिए सबसे ऊपर क्या दे रखा है, बल्ब दे रखा है, बल्ब का डायग्राम देखिए आप यहाँ पे फिगर ए में, और टेबल वाला जो है फोर्थ नंबर पे, वहाँ पे ही बल्ब दे रखा है. ठीक है, अब बल्ब को किससे कर रखा है, सेल से जॉइंट कर रखा है. ठीक है, और आप देखिए इधर
राइट हैंड साइड के ऊपर दो आपको पॉइंट दिख रखे होंगे आपके बुक्स के अंदर, तो वो क्या है, क्लोज सर्किट, क्लोज स्विच बता रहा है, स्विच बता रहा है जो कि क्या है, क्लोज्ड है, ठीक है ना, जिसके अंदर क्या कर रहा है, करंट फ्लो कर रहा है, ठीक है। अगर हम इसे ओपन कर देंगे तो ये जो पूरा सर्किट है ये क्या हो जाएगा, टूट जाएगा, इनकम्प्लीट हो जाएगा, क्यों, आपस में एक दूसरे को टच नहीं करेगा। ओपन जो स्विच होता है बिल्कुल राइट हैंड साइड पर फिगर ए पर देखिए, तो उससे क्या होगा, करंट फ्लो होना बंद हो जाएगा। ये क्या है, क्लोज स्विच है, ये जो प्लस माइनस टर्मिनल दे रखे हैं पॉजिटिव नेगेटिव, ये क्या है, बैटरी है, ए की बैटरी है, ओ सॉरी सेल है, और ऊपर क्या दे रखा है, बल्ब दे रखा है। ये सबसे सिंपलेस्ट डायग्राम है, सर्किट डायग्राम है। कंक्लूजन, द सर्किट डायग्राम फ्रॉम द अबव सर्किट विल लुक लाइक फिगर ए, ठीक है ना। हमने जो ऊपर जितने भी सर्किट्स यूज़ करके जो सर्किट डायग्राम बनाया है सिंबल्स यूज़ करके, ये कैसा दिखेगा, जैसा फिगर ए में दे रखा है। कंपोनेंट्स ऑफ एन इलेक्ट्रिक सर्किट, इफ द बेसिक कंपोनेंट्स ऑफ एन इलेक्ट्रिक सर्किट आर ए सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, वन और मोर इलेक्ट्रिक सेल्स और एनी अदर सोर्स, सेकेंड वन इज कंडक्टिंग वायर्स विदाउट डिसकंटिन्यूटी अनब्रोकन कंडक्टिंग पाथ। तो क्या होने चाहिए एक इलेक्ट्रिक सर्किट के कंपोनेंट्स की, जिसकी जिन कंपोनेंट्स को हम यूज़ करके क्या कर सकें, एक पूरा कंप्लीट एक्यूरेट सर्किट बना सकें। एक तो इलेक्ट्रिक करंट का सोर्स होना चाहिए। अब सोर्स में क्या क्या हो सकता है, या तो सेल्स ले लीजिए या बैटरीज ले लीजिए, और दूसरा होना चाहिए कंडक्टिंग वायर, ठीक है, जिन सेल्स और बैटरीज के हम वायर को कनेक्ट करेंगे, जिन वायर्स के अंदर करंट फ्लो करता है, सेल्स करंट प्रोड्यूस करते हैं और वो वायर्स में फ्लो करता है, तो वो क्या होने चाहिए, विदाउट डिसकंटिन्यूटी, अनब्रोकन, टूटे हुए नहीं होने चाहिए, उसमें कोई डिसकंटिन्यूटी नहीं होनी चाहिए। फिगर 13.1 इलस्ट्रेट इन इलेक्ट्रिक सर्किट, देयर आर ऑल्सो मैनी ऑप्शनल कंपोनेंट्स लाइक इलेक्ट्रिक बल्ब, स्विचेस एंड इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस। अब देखिए 13.1 के अंदर यहाँ एक बल्ब दे रखा है जो कि लाइट कर रहा है, इसे हमने बैटरी और स्विच से जोड़ा है। ये फिगर ए में तो क्या था, हमने इसका सिंबल डायग्राम बनाया था, और फिगर 13.1 में क्या है, इसका कंपोनेंट डायग्राम है, सिंबल्स की जगह कंपोनेंट लिए हैं, और सेम टू सेम बिल्कुल वही है फिगर ए की तरह। ऊपर हमने बल्ब का सिंबल दिया था फिगर ए में, यहाँ हमने बल्ब रख दिया, फिर बल्ब के इधर राइट हैंड साइड पे देखिए यहाँ पे दो पॉइंट्स दे रखे हैं ब्लैक ब्लैक, यहाँ हमने स्विच लगा दिया, और जो प्लस माइनस टर्मिनल जो सेल को डिनोट कर रहा था वहाँ हमने एक सेल रख दिया। तो ये क्या है, सिंपलेस्ट इलेक्ट्रिक सर्किट डायग्राम। हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, समटाइम्स व्हेन एन इलेक्ट्रिक करंट पासिस थ्रू ए सर्किट इट हीट्स अप वेरियस कंपोनेंट्स ऑफ द सर्किट। जब भी क्या होता है, इलेक्ट्रिक करंट किसी सर्किट में हम पास कराते हैं या पास होता है, तो क्या होता है, उससे हीट जनरेट होती है, जितने भी कंपोनेंट्स उसके सर्किट में प्रेजेंट होंगे वो क्या हो जाएंगे, हीट्स अप हो जाएंगे, गर्म हो जाएंगे। लेट अस परफॉर्म एन एक्टिविटी टू सी हाउ दिस हैपन। अब हम क्या करते हैं, एक एक्टिविटी परफॉर्म करेंगे कि ऐसा कैसे होता है। सो हेयर इज द एक्टिविटी, एम टू स्टडी द हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। अब हम इस एक्टिविटी में क्या देखेंगे, जो इलेक्ट्रिक करंट का हीटिंग इफेक्ट होता है वो हम स्टडी करेंगे। मटेरियल्स नीडेड, 1.5 वोल्ट सेल, ए स्मॉल टॉर्च बल्ब, फिलामेंट टाइप, टू पीसेस ऑफ इलेक्ट्रिक वायर एंड इंसुलेशन टैप। एक तो हम टैप ले लेंगे, इंसुलेशन टैप, जिससे क्या हो, इलेक्ट्रिक जो करंट हो वो बाहर की तरफ वो नहीं करे, लीक नहीं करे। दो पीस हम इलेक्ट्रिक वायर के ले लेंगे, देखिए यहाँ रेड एंड ब्लू कलर के लिए हैं, और एक के ले लेंगे हम स्मार्ट स्टॉल बल्ब ले लेंगे, और एक सेल ले लेंगे, ठीक है, जो 1.5 वोल्ट का होगा। मेथड, रिमूव द इंसुलेशन फ्रॉम द एंड्स ऑफ द बोथ वायर्स, ठीक है। अब जो हमने वायर लिए ना, उनका इंसुलेशन इंसुलेटेड करके वो वायर्स दिए जाते हैं। इंसुलेटेड का मतलब होता है उसमें कोई क्या करते हैं, नॉन कंडक्टर मटेरियल लगा दिया जाता है, जिसकी वजह से करंट क्या करे, फ्लो ना करे। तो हमें वो इंसुलेटिंग टिप को हटाना है। कनेक्ट द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द सेल टू द इलेक्ट्रिक बल्ब विद वन ऑफ द वायर्स, फिक्स इट इन प्लेस विद इंसुलेशन टैप। अब देखो हमने क्या करा, एक वायर को क्या करा, आप देखिए ब्लू वाले वायर को देखिए, बैटरी के सेल के एक ना टर्मिनल से हमने क्या कर रखा है, जॉइंट कर रखा है, तो वो टर्मिनल कौन सा है, नेगेटिव टर्मिनल, ठीक है। और दूसरे को क्या करा हमने, बल्ब से कनेक्ट कर दिया और उसके ऊपर टेप लगा दिया, ग्रे ग्रे देखिए कवर कर रखा है ना बल्ब को, नीचे ग्रे कलर का एक स्ट्रिप लगी हुई है, तो वो क्या है, इंसुलेशन टैप। थर्ड पॉइंट इज, नेक्स्ट कनेक्ट द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द सेल टू द बल्ब, फिक्स इट इन प्लेस विद इंसुलेशन टैप, यू विल नोटिस दैट द बल्ब ग्लो। अब देखो क्या करना है हमें, अब बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से भी एक है ना क्या करना है, बल्ब को क्या कर देना है, कनेक्ट कर देना है एक दूसरे वायर से, और उसे भी इंसुलेशन टेप से अच्छे से जोड़ देना है। अब हम क्या देखेंगे कि बल्ब क्या करेगा, ग्लो करने लगेगा। लीव द आर्ग्यूमेंट विद द बल्ब ग्लोइंग फॉर अबाउट 1 मिनट। अरेंजमेंट, लीव द अरेंजमेंट विद द बल्ब ग्लोइंग फॉर अबाउट 1 मिनट। डिसमेंटल द सर्किट एंड देन टच द बल्ब, व्हाट डू यू ऑब्जर्व। अब थोड़ी देर के लिए क्या करिए, ये जो हमने अरेंजमेंट बनाया है इसको ऐसे ही छोड़ दीजिए, 1 मिनट के लिए इसे रेस्ट कर
इसे लीव कर दीजिए और उसके बाद थोड़ी देर बाद आप कुछ मिनट्स के बाद के देखें या 1 मिनट के बाद के देखेंगे, हमने क्या करा, डिसमेंटल कर दिया, यानी एक वायर हमने बैटरी की तरफ से हटा दिया। अब आप उस बल्ब को टच करके देखिए और आप देखिए क्या होगा। ऑब्जर्वेशन, यू विल नोटिस दैट द इलेक्ट्रिक बल्ब फील्स ए लिटिल वार्मर देन इट वॉज बिफोर पासिंग इलेक्ट्रिक करंट थ्रू इट। अब हम क्या देखेंगे कि जो बल्ब था वो क्या हो गया, थोड़ा सा गर्म हो गया, वार्म हो गया। किसके कंपैरिजन में, कि जब हमने बल्ब को इलेक्ट्रिक सर्किट से जोड़ा था तब बल्ब इतना गर्म नहीं था, जब उसमें करंट फ्लो होने के बाद वो हो गया। कंक्लूजन, द इलेक्ट्रिक बल्ब फील्स वार्मर बिकॉज इट कंटेन्स ए फिलामेंट दैट हीट्स अप व्हेन इलेक्ट्रिक करंट पासेस थ्रू इट। अब इलेक्ट्रिक बल्ब के अंदर देखिए आपको राउंड राउंड कुछ दे रखा होगा, एक पतली सी रॉड, वो एक बारीक सा फिलामेंट होता है। तो ये फिलामेंट क्या होता है, जब इस फिलामेंट टंगस्टन का बना होता है, जब इसके अंदर हम करंट पास कराते हैं तो ये गर्म हो जाता है। इसी की वजह से क्या होता है, बल्ब का जो आउटर पार्ट है जो कांच का बना होता है वो भी गर्म हो जाता है। ठीक है, तो इस एक्टिविटी से हमने क्या समझा कि जो इलेक्ट्रिक करंट होता है वो हीटिंग इफेक्ट प्रोड्यूस करता है। इलेक्ट्रिक करंट हीट्स अप एनी कंडक्टर इट पासिस थ्रो। तो कोई सा भी, जो भी कंडक्टर का मतलब होता है जो कि अपने अंदर से करंट को पास कर सके, तो जितने भी कोई सा भी कंडक्टर आप इलेक्ट्रिक सर्किट में लगाएंगे तो वो क्या करेगा, जो इलेक्ट्रिक करंट उस सर्किट में पास करेगा वो उसे गर्म कर देगा। दिस इज कॉल्ड हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, यही हीटिंग इफेक्ट कहलाता है इलेक्ट्रिक करंट का। मैनी इलेक्ट्रिक अप्लायंसेज सच एज टोस्टर्स, हॉट प्लेट्स, इलेक्ट्रिक आयरन्स, हेयर ड्रायर्स, केटल्स, गीजर्स एंड ओवन्स फंक्शन बिकॉज ऑफ द हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो ये सारे अप्लायंसेज हमारे घरों में भी मिलते हैं। गीजर्स होते हैं, सर्दियों में हम पानी गर्म करते हैं, इलेक्ट्रिक आयरन्स होती हैं, ओवन्स होते हैं, ये सब क्या होते हैं, हीट इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट की वजह से फंक्शन करते हैं। इलेक्ट्रिक अप्लायंसेज दैट प्रोड्यूसेज हीट कंटेन टाइटली वाउंड कॉइल्स कॉल्ड हीटिंग एलिमेंट्स और सिंपली एलिमेंट्स। तो ये जो इलेक्ट्रिक अप्लायंस होते हैं किससे बने होते हैं, इसके अंदर क्या होते हैं, कॉइल शेप यानी राउंड शेप के अंदर पतले पतले वायर्स लगे होते हैं, टाइटली हैं, ठीक है, और उन्हें हम क्या कहते हैं, हीटिंग एलिमेंट्स और सिंपली क्या कह सकते हैं उन्हें, एलिमेंट्स। ए हीटिंग एलिमेंट इज स्पेशली डिजाइन टू हीट अप व्हेन एन इलेक्ट्रिक करंट पासेस थ्रू इट। अब क्या होता है, हीटिंग एलिमेंट ये स्पेशली डिजाइन करके बनाया जाता है जिससे जब इसके अंदर इलेक्ट्रिक करंट हम पास आउट कराएं जिससे ये गर्म हो जाए। इन मेनी केसेस द हीटिंग एलिमेंट इज कवर्ड, कई केसेस में क्या होता है, ये जो हीटिंग एलिमेंट होता है ये कवर्ड अप होता है, खुला हुआ नहीं होता। इन सब इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज यू कैन आइडेंटिफाई द हीटिंग एलिमेंट विद इट्स डल रेड ग्लो। अब बहुत से ऐसे अप्लायंसेज होते हैं जिसमें हम हीटिंग एलिमेंट को देख सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ऐसा क्यों कर सकते हैं, क्योंकि जब भी हम इसके अंदर करंट पास करवाएंगे ये क्या हो जाएगा, थोड़ा सा डल रेड कलर का ग्लो करने लगेगा, जिससे हमें पता चल जाएगा कि क्या हो रहा है, ये गर्म हो रहा है, यही हीटिंग एलिमेंट है। नोट, Never touch the heating element of an electrical appliances. You can get burned or also get an electric shock. हमें कभी भी किसी भी जो electrical appliances है उसके heating element को touch नहीं करना चाहिए, इससे हमारा हाथ जल सकता है या हम क्या कर सकते हैं, हमें एक electric shock लग सकता है। इलेक्ट्रिक फ्यूज, समटाइम्स सम फॉल्ट इन द इलेक्ट्रिक सर्किट और ए प्रॉब्लम विद द इलेक्ट्रिक सप्लाई कैन यूज एन अनयूजुअली लार्ज अमाउंट ऑफ करंट टू पास थ्रू इलेक्ट्रिक सर्किट्स एट होम। दिस में डैमेज इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज एंड में इवन कॉज ए फायर। अब देखिए कई बार क्या होता है, हमारे जो इलेक्ट्रिक सर्किट हमारे घरों में होता है, आपने देखा होगा बाहर मीटर बोर्ड लगा होता है, ठीक है, फिर अंदर वायर्स आ रहे होते हैं, उन वायर्स के अंदर स्विच बोर्ड्स लगे होते हैं, उन स्विच बोर्ड्स के अंदर होल्स होते हैं जिसके अंदर हम हमारा चार्जर या आयरन जो हमारी प्रेस होती है उसका जो होता है पॉइंट वो लगाते हैं उसके अंदर, ठीक है, जिसकी वजह से क्या होता है, हम स्विच ऑन करते हैं और सर्किट कंप्लीट हो जाता है। कई बार क्या होता है, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम की वजह से, किसी फॉल्ट की वजह से क्या होता है, बहुत ज़्यादा अमाउंट में करंट उस सर्किट के अंदर फ्लो डाउन कर जाता है, जिसकी वजह से या तो हमारे अप्लायंसेस ख़राब हो जाते हैं, आपने देखा होगा कई बार आपकी प्रेस ख़राब हो जाती है या मिक्सर ग्राइंडर ख़राब हो जाते हैं। तो ये किस वजह से होता है, किसी फॉल्ट की वजह से, जिसकी वजह से क्या हुआ, ज़्यादा अमाउंट में इलेक्ट्रिक फ्लो पास हो गया उस अप्लायंस के अंदर। और कई बार क्या होता है, इतना ज़्यादा इलेक्ट्रिक करंट पास हो जाता है जिसकी वजह से क्या आग लग जाती है, फायर हो जाती है। टू प्रिवेंट दिस फ्रॉम हैपनिंग ए सेफ्टी डिवाइस कॉल्ड द इलेक्ट्रिक फ्यूज इज यूज्ड। अब हम इसको कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं, हमने एक डिवाइस बनाया जिसको इलेक्ट्रिक फ्यूज कहते हैं, इसके इस्तेमाल से इन इलेक्ट्रिक फ्यूज प्रिवेंट्स ए लार्ज अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट फ्रॉम फ्लोइंग थ्रू एनी अप्लायंसेज और डिवाइस बाय कटिंग ऑफ द सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। अब आजकल ये इलेक्ट्रिक फ्यूज ज़्यादातर अप्लायंसेज में आने लग गया है, आपने देखा होगा प्रेस जब ज़्यादा गर्म हो जाती है तो अपने आप से बंद हो जाती है, तो ये किस वजह से होता है, इलेक्ट्रिक फ्यूज की वजह से होता है। जब इलेक्ट्रिक फ्यूज के अंदर एक क्या कहते हैं लिमिटेड अमाउंट का करंट पास आउट हो जाता है, तब तक तो वो ऑन रहता है, लेकिन जैसे ही उस लिमिट से ज़्यादा करंट उसमें फ्लो डाउन होने लगता है तो वो क्या हो जाता है, क्लोज हो जाता है।
सप्लाई क्या करता है, कट कर देता है करंट की, जिसकी वजह से क्या हो जाता है, आग लगना या उस अप्लायंस में डैमेज होने से प्रिवेंशन हो जाता है, वो अप्लायंस ख़राब होने से प्रिवेंट हो जाता है। डैमेज कैन बी प्रिवेंट। इस वीडियो में इतना ही। इलेक्ट्रिक करंट, सर्किट डायग्राम एंड इलेक्ट्रिक फ्यूज़। अब हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग ऑफ एन इलेक्ट्रिक फ्यूज़। थैंक यू।